मूलदेव का एक घनिष्ठ मित्र था। उसका नाम था शशि। एक दिन शशि उसके पास एक सुझाव लेकर आया। उसने मूलदेव से कहा, मूलदेव, तुम भाषण देने की कला में प्रवीण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है। क्यों ना हम दोनों पाटलिपुत्र चलें और वहां पहुंचकर ख्याति कमाएं? सुझाव तो बहुत अच्छा है मित्र, मूलदेव बोला। मैंने भी उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं वह विद्वान लोगों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। जब वे नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोती हुई दिखाई दी। शशि कहने लगा, मित्र चलो इस स्त्री के पास चलकर इससे नगर में ठहरने के लिए उचित स्थान का पता लगाते हैं। ठीक कहते हो मित्र, मूलदेव ने भी सहमति जताई। यह तो हमारी पहली जरूरत है। दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। शशि ने उस स्त्री से पूछा, देवी क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? स्त्री बोली, मैं यह तो जानती हूँ कि बत्तखें समुद्र तट पर, मछली जल में, भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं मैं यह बिल्कुल नहीं जानती। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे मित्र? यह स्त्री कह रही है कि इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ नहीं मालूम। अजीब स्त्री है, मूलदेव कुछ खींच भरे स्वर में बोला। हमने तो इससे एक सीधा साधा प्रश्न पूछा था और इसने मछली बत्तख और भंवरे की कहानी सुना डाली। यह सीधे साधे ढंग से भी नहीं मना कर सकती थी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता पूछेंगे। दोनों मित्र आगे बढ़ चले। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गर्म भात की थाली रखी थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर शशि कहने लगा, मूलदेव इस मूर्ख बालक को तो देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा हुआ है, फिर भी यह उस भोजन को खाने के बजाय सिर्फ रोए जा रहा है। ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक मूर्ख ही है। भला इतनी स्वादिष्ट भोजन को पाकर भी कोई रोता कैसे है? मूलदेव ने शशि की बात से सहमत होते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम दोनों हो जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा था। मुझे खाने के लिए भात ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत भी हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। तुम तो ठहरे ठेठ कवार, तुम जैसे देहाती भला इस बात को कैसे समझ पाएंगे? दोनों मित्र बालक की चतुर हैरान रह गए। शशि कहने लगा, मित्र यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली स्त्री ने संकेत और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। अरे छोड़ो, मूलदेव ने मुंह बिचका कर कहा, मुझे तो यह बालक ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। वहां उन्हें एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी आम तोड़ती हुई दिखाई दी। शशि ने मूलदेव से कहा, क्या विचार है मित्र, इस स्त्री के पास चलकर इससे कुछ आम अपने लिए भी मांग लें? हाँ हाँ क्यों नहीं, मूलदेव ने सहमति जताई। पके हुए आम तो मुझे बहुत प्रिय हैं। कुछ ही देर में दोनों वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने वृक्ष के ऊपर चढ़ी युवती से कहा, सुंदरी थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गर्म? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को टोका, मूलदेव उत्तर दो ना भाई, पहले कुछ गर्म आप ही दे दो। मूलदेव ने कहा,
युवती ने कुछ पके आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे आम उठाए, फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाई और खाने लगे। जब वे दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर फूंक मारते हुए देखा था, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहते थे तो अपनी सांसें बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों को समझ में आया। पास ही सरोवर था, वे चाहते तो उन आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को भी मिल जाते। बात का अर्थ समझ आते ही मूलदेव ने स्वयं को बहुत लज्जित महसूस किया, साथ ही एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। मूलदेव ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं इसी से विवाह करूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, मूलदेव, जहाँ तक इस युवती से तुम्हारे विवाह का प्रश्न है, मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी विदुषी युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत तुम जो उसे सबक सिखाने की बात कह रहे हो, उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो, क्या अपराध किया है उसने जो तुमने उसके लिए अभी से ऐसी कड़ी सजा सोच ली है? उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों से बात की, वह सीधे सादे ढंग से भी तो बता सकती थी कि पहले आमों को नदी के जल में धो लो, फिर उनका उपयोग करो। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात मुझे नहीं जमी। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो भाई मेरे बुद्धिमान लोग तो संकेत के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझा है। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो न समझा उसे मंद बुद्धि ही कहा जाएगा। तुम कुछ भी समझो, मैं यह कार्य अवश्य करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। मूलदेव ने जिद की, जैसी तुम्हारी इच्छा, शशि ने कंधे उचकाकर कहा। अब यह बताओ आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने के स्थान का बाद में प्रबंध कर लेंगे, पहले तुम एक काम करो, मूलदेव बोला। कौन सा काम? इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर इसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। ठीक है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस युवती ने अब तक बहुत से आम तोड़ लिए थे। उसने वे सारे आम एक टोकरी में एकत्र कर लिए और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर लौट पड़ी। कुछ पीछे रहकर शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव के पास पहुंचकर उसे बताया, वह युवती यज्ञस्वामी नाम के एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ ही दूर उसका मकान है। मैं भली प्रकार से उसका मकान देख आया हूँ। बढ़िया, अब बनाते हैं कोई योजना। वह रात उन दोनों ने एक आश्रय स्थल में व्यतीत की। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और यज्ञ स्वामी के घर की ओर चल पड़े। दोनों यज्ञ स्वामी के घर के बाहर पहुँचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद यज्ञ स्वामी घर से बाहर निकला और उन दोनों को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। यह सोचकर वह मूलदेव और शशि के पास पहुंचा और उनसे पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले नहीं लगते, कहां से पधारे हैं आप दोनों? मूलदेव ने बड़ी शालीनता के साथ उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगर से आए हैं। हमारा यहाँ रहने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, यज्ञ स्वामी सहानुभूति दिखाते हुए उन दोनों से बोला। कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ, इस बार शशि ने उत्तर दिया। और फिर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग
एवं कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। विप्रवर उसके उत्तर से प्रभावित होकर यज्ञ स्वामी बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। वर्षा काल का आरंभ हो चुका था। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर व्यतीत करें। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। मूलदेव यही तो चाहता था, किंतु प्रकटतः उसने यज्ञ स्वामी से कहा, महाशय हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। हाँ हाँ अवश्य, यज्ञ स्वामी बोला, जो कुछ देने योग्य हुआ मैं आपको अवश्य उपहार स्वरूप भेंट करूँगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि यज्ञ स्वामी के घर में रहने लगे। वे दोनों कई बार यज्ञ स्वामी की कन्या से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह उन्हें पहचान नहीं सकी और अपने पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। इस प्रकार यज्ञ स्वामी के घर में रहते हुए जब 4 महीने बीतने का समय आ गया तो उस दिन मूलदेव ने कहा, महाशय आपके यहाँ रहते हुए मुझे 4 महीने का समय बीत गया। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी जो सेवा शुश्रू की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। यह सुनकर यज्ञ स्वामी का चेहरा उतर गया। वह बोला, मूलदेव सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत भले व्यक्ति लगे। तुम्हारे सानिध्य से मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तुम्हें विदा करने का जी तो नहीं चाहता, किंतु तुम्हारे पठन पाठन में कोई व्यवधान न पड़े इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता। विदा होने से पूर्व में आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, मूलदेव ने संकोच सा जाहिर करते हुए कहा। समझ गया, ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप देने के लिए वचन दिया था, तो मांगो मूलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मूलदेव ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। यज्ञ स्वामी उसकी यह मांग सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, यह ब्राह्मण योग्य है, विद्वान है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी, इसकी न्यायोचित मांग को ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं वही हूँ, ठंडे गर्म आम वाला, जिसे उस दिन तुमने मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुरा उठी। शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवारों को देर लगती है। पत्नी के मुंह से अपने प्रति किए गए इस व्यंग को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह भड़क कर बोला, तुम स्वयं को विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यहीं खींचती हुई रह जाओगी। मूलदेव की इस धमकी को सुनकर भी उसकी पत्नी के चेहरे पर डर के किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंहफट, एक बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपने कथन को पूरा कर पाती हो। इस वाद विवाद के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। रात के अंतिम प्रहर में मूलदेव धीरे से उठा, जेब से अपनी वह अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम गुदा हुआ था और आहिस्ता से अपनी पत्नी की उंगली में पहना दी। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल आया। योजना अनुसार शशि वहां पहले से ही उपस्थित था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी जागी
तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह व्यथित होकर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार उसे अपने पति को वापस लाना है। अकस्मात उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उंगली पर मूलदेव का नाम गुदा था। यह देखकर एक विचार उसके मन में कौंधा। इस अंगूठी पर उनका नाम गुदा है, साथ ही उनके शहर का नाम भी गुदा हुआ है। वे जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार कर वह अपने पिता के पास पहुंची और यज्ञ स्वामी से कहा, पिताजी, मेरा पति मेरा त्याग करके यहाँ से चले गए हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस अप्रिय घटना को भुला सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसके पास धन की तो कोई कमी न थी, अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान की। मूलदेव की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैनी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियां जिस प्रकार की पोशाक पहनती हैं, उस प्रकार की अनेक पोशाकें खरीद ली। नर्तकियों की पोशाक में सज्जित होकर वह खूब ठाट बाट से उज्जैनी जा पहुंची। उसका ऐसा ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। साथ आए सेवक और सेविकाएं उज्जैनी के गली मोहल्लों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन नगर की सबसे मशहूर नर्तकी देवदत्ता उसके पास पहुंची और उससे पूछा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस नगर की रहने वाली हो? मेरा नाम सुमंगला है बहन, मूलदेव की पत्नी ने अपना नाम बताया। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारी नृत्य की काफी तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ, देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे दिया। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया। वह उसे अपने कक्ष में ले गई और अनेकों प्रकार से उसका सम्मान किया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी उत्तम आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ लेवा लाई और अपना एक शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। सुमंगला की मोहकता और सुंदरता की चर्चा शशि के कानों तक भी पहुंची। वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठा। उसने अपनी एक दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत सुमंगला के पास पहुंचा। उसने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और ये उपहार भी भेजे हैं। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनको नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना, ये भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दें तो अच्छा रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर उसे सारी बात बता दी। तब रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर शशि सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान तो किया होगा, पर अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन
चूंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, अतः उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक सुसज्जित स्नान गृह में ले गई। वहां दूसरी महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। शशि ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का एक प्रहर बीत गया। बंद समर कर शशि दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, ठहरिए महाशय, हमारी स्वामिनी के पास आप तभी जा सकते हैं जब आपने एक विशेष पोशाक पहनी हो। कृपया पीछे के कक्ष में एक बार फिर से जाइए और विशेष पोशाक पहनकर आइए। शशि वापस स्नान कक्ष में लौट आया। सेविकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहनने के लिए दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देरी हो गई और रात का तीसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। जब शशि सुमंगला से मिलने के लिए उसके निजी कक्ष में जाने वाले चौथे और आखिरी द्वार पर पहुंचा, तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस प्रहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया, बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह घटना कह सुनाई। सुनकर मूलदेव ने कहा, मित्र, एक सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि इस अपमान का बदला उस नर्तकी से अवश्य चुकाऊंगा। उस रात मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसे दूसरे द्वारों पर भी प्रवेश मिलता गया। अतः वह सुमंगला के कक्ष में पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरों का एक बहुमूल्य हार दिया और कहा, इसे अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहता है। युक्ति काम कर गई। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप सचमुच अद्वितीय है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सके। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके सम्मुख अपना मनोहरी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य देखकर मूलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जब सुमंगला ने उसे फिर वहां आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद प्रायः नित्य प्रति मूलदेव सुमंगला के पास पहुंचने लगा। तब एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, मूलदेव, मैं यहां सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए किसी योग्य वर को खोजना भी था। आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? मूलदेव तो पहले से ही उसके रूप पर मर मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया और वह सुमंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी वह उद्देश्य पूरा हो गया। मूलदेव का अंश मेरे शरीर में आ चुका है, अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उस चतुर स्त्री ने दूसरे दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर पहुँचने का आदेश दिया है, क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने आशंकित होकर पूछा। जाना ही पड़ेगा, राजा की आज्ञा जो ठहरी। न जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे सूली पर चढ़वा देगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ लौट आऊंगी।
अगले दिन सुमंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी उज्जैनी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने भी उसकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। सुमंगला का वह लड़का विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिससे उस लड़के की जीवन धारा ही बदल गई। हुआ ये कि जब वह अपने आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल को गहरी ठेस लगी। वह उदास भाव से घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं? पुत्र का आग्रह सुनकर मंगला का मन द्रवित हो गया। उसने मूलदेव से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक कह सुनाई। उसने यह भी बता दिया कि उसके पिता का नाम मूलदेव है जो उज्जैनी में रहते हैं। वे बहुत ही वेदांती हैं। माँ की सारी कहानी सुनकर लड़का बोला, माँ मुझे अपने पिता की आवाज और उनकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊंगा। सुमंगला ने मूलदेव की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का उज्जैनी की तरफ चल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज खबर प्रारंभ की। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता। जब शाम हो गई तो एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते सुना। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा था, क्यों भाई क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है उससे। हाँ भाई मैंने देखा है उसे, दूसरा बोला, अभी अभी वह उस जुआ खाने में गया है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। वह अपने मन में विचार करने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो मुझे इस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार कर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुर सीखे थे, अतः वह भी उन लोगों के बीच में बैठ गया। उसकी माता ने मूलदेव की जो जो पहचान बताई थी उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। तब उसने अपनी फेंट से बंधी स्वर्ण मुद्राओं की भरी पोटली खोल ली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या में निपुण था, अतः शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव के मुख से उसके लिए प्रशंसात्मक शब्द निकल गए। वह लड़के से बोला, बालक अभी तो तुम उम्र में कुछ विशेष नहीं हो, पर जुआ बहुत अच्छा खेलते हो, कहां से आई यह जुए की कला? लड़का बोला, अजी महाशय यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुए खाने से बाहर आया। जुए में जीता धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुए खाने से बाहर निकला और अपने घर को चल दिया। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का पता मालूम कर लिया। फिर जब उस रात मूलदेव गहरी नींद में सोया हुआ था, लड़का दीवार फांदकर उसके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से मूलदेव के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने ढेर सारी रुई मूलदेव के पलंग पर बिछा दी। फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद उसने मूलदेव का पलंग उठाया, एक रस्सी से पलंग को बांधकर उसे नीचे लटकाया, फिर बड़ी तत्परता से नीचे कूद गया। इस प्रकार बड़ी चतुराई से वह लड़का मूलदेव का पलंग उड़ाकर ले गया। अगली सुबह मूलदेव की जब आंख खुली तो वह दुख, हैरानी और लज्जा से भर उठा। अरे ये क्या हो गया, मैं सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी कर ले गया।
अब तो मुझे सोने के लिए नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय मूलदेव नया पलंग खरीदने बाजार में पहुंचा। वहां उसने लड़के को देखा जो पलंग के समीप खड़ा उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मूलदेव उस लड़के के पास पहुंचा। उसने लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, महाशय, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। वैसी कहानी तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, मूलदेव ने कहा, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी का अर्थ समझ सके और सच बता सके तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए कहानी, लड़के ने कहा। मूलदेव ने अपनी कहानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रथ से और पानी की बौछारों से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न अन्न से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। ये पहेली सुनकर मूलदेव ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि इस पहेली नुमा कहानी का क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुराकर बोला, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। सांपों के रथ का अर्थ है बादल। सुअर की प्रेमिका धरती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु को उनके शुक्रावतार में बहुत प्रिय थी। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया था। मूलदेव लड़के की तीक्ष्ण समझदारी पर आवाक रह गया। तब लड़के ने उनसे कहा, अब मैं एक अद्वितीय कहानी सुनाता हूँ, अगर आप समझ सको और सच बता दो तो यह पलंग आपका, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव ने अपनी सहमति व्यक्त की। वह बोला, ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले उस धरती पर एक अद्वितीय लड़का पैदा हुआ। जैसे ही वह पैदा हुआ, उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव उस पहेली का हल नहीं बता सका। वह कहने लगा, यह कहानी झूठी है। इस पर उस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है यह कथा। धर्म पुस्तकों के विद्वान महाशय, क्या भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बौने का रूप धारण कर धरती को कंपाया नहीं था? फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था? मूलदेव चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही विवरण किया था। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए, अब आप हथियार डाल दीजिए, मैं जहां जाऊं मेरे सेवक बनकर चलिए। वचन से बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की माँ उसकी परित्याज्ञा पत्नी थी। उसके मुंह से बरबस निकल ही गया, अरे सुमंगला, तुम हो इस लड़के की माँ? हाँ, मैं, सुमंगला बोली, तुम्हारी वही पत्नी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था। मधुयामिनी की वह रात तो हमने वाद विवाद करने में ही बिता दी थी। तब फिर यह लड़का? फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो कामरूप नगर में उज्जैनी में आई उस नर्तकी सुमंगला को। मैं वह नर्तकी ही तो थी। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप जाता रहा। उसने बाह पसार कर अपने पुत्र को अपने अंक में भर लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर न जाओगे? हरगिज नहीं, मूलदेव ने मुस्कुराकर कहा, जाना भी चाहूं तब भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे शास्त्रार्थ में जीतकर अपना सेवक जो बना लिया। मूलदेव की इस बात पर
तीनों ने एक मिश्रित ठहाका लगाया जिससे वातावरण मुखरित हो उठा।